नमस्कार, डीएनएन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। पब्लिक एजेंडा में आज हम बात कर रहे हैं, जो हालात हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कल खबरें आई थी कि एक बंगले में चार चार कारें धोने के लिए हजारों लीटर पानी बहा दिया जाता है। आज खबरें ये आ रही हैं कि नगर निगम सिर्फ 400 रुपए के बोल्ट के इंतजाम नहीं कर पा रहा है, सिर्फ 400 रुपए का बोल्ट नहीं ला पा रहा है। इसके कारण कई लाख गैलन पानी बह जाता है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम जल ही तो है जीवन है की बात करते हैं, और पानी जिस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए हम बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे? हमारी आने वाली जो भी पीढ़ी होंगी, वो पानी के लिए कैसे संघर्ष करेंगी? आज भी देश के 80% हिस्सों में पूरे समय पानी, दोनों टाइम का पानी नहीं मिल पाता है, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारा समाज, हमारी व्यवस्था, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, या हमारे माननीय संयुक्त सारे लोग मिलकर, अगर जो नौकरशाह हूं या नेता हूं, क्यों नहीं सोचते हैं इसके बारे में, पर्यावरण बचाने के बारे में, जल को संरक्षित करने के बारे में? ये चीज ऐसी है जिसको हम जितना निकालते जाएंगे, लेकिन कहीं से इसका इनपुट नहीं है। इनपुट हमारे बीच से है। हम पेड़ लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, तो पानी हमको मिलता रहेगा। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देश के कई हिस्से इन दिनों भीषण गर्मी के चलते पानी के संकट से गुजर रहे हैं। राजधानी भोपाल से लेकर दूसरे बड़े शहर भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। बुंदेलखंड, चंबल, मालवा और निमाड़ के शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों ये बुनियादी समस्या है। बड़े शहरों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में भी पीने के पानी को लेकर लोग कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर लोग धरना प्रदर्शन पर उतर आए। इस बीच भोपाल के महापौर ने प्रभारी मंत्री से मिलकर जल संकट से निदान के लिए गुहार लगाई है। पूरे प्रदेश में इन दिनों सबसे ज्यादा पानी का संकट बुंदेलखंड में है। यहां दमो के पंजीरी गांव के लगभग 400 लोग पानी की कमी के चलते दूसरे शहरों में जा बसे। ऐसी स्थिति केवल दमो में ही नहीं, बल्कि सागर, टीकमगढ़ और छतरपुर जैसे शहरों की भी है। पानी की इस बुनियादी समस्या पर कांग्रेस इसका ठीकरा पुरानी शिवराज सरकार पर फोड़ रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की सरकार में इसको लेकर केवल कागजी कार्रवाई हुई है। आप पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, खास करके आप बुंदेलखंड एरिया के अंदर देखेंगे, पानी की त्राही त्राही मची हुई है। हम तो भोपाल, हमारी राजधानी में तालाब आज सूखने जा रहा है। उसका कारण है कि भोपाल तालाब के लिए जो नदियां हमारे को जल भेजती हैं, उन नदियों को लोगों ने अपने अपने हिसाब से मोड़ रखा है, अपने अपने हिसाब से उस पर बांध बना रखे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के शासन में उन लोगों को संरक्षण मिला था, जिसके कारण आज जल की सबसे ज़्यादा समस्या मध्य प्रदेश में है। निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर बड़ी गहनता से विचार किया है, और प्रयास करा जाएगा कि अगला जो सत्र आए, जो गर्मी का दौर आए, उसमें मध्य प्रदेश में कहीं जल संकट नहीं होगा, इसका वादा कांग्रेस और मध्य प्रदेश की सरकार करती है। सूखे की मार झेल रहे क्षेत्रों में राहत के लिए प्रदेश की कमलनाथ सरकार एक्शन प्लान बनाने का दावा कर रही है। बुंदेलखंड में राजा रजवाड़ों के जमाने में ताल तलैया, कुओं, बावड़ियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने अगले 3 साल तक की विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। सरकार का दावा है कि इन प्रयासों से पेयजल की गंभीर समस्या से निपटने के लिए स्थायी समाधान का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि नई कमलनाथ सरकार में सारी योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। किन्हीं भी दो मदों के पैसे का अलॉटमेंट नहीं हो रहा, सरकार केवल ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यस्त है। निश्चित रूप से जिस तरह से कमलनाथ जी की सरकार के आने के बाद से पूरी तरीके से योजना परियोजना ठप पड़ी हुई हैं, किसी भी तरह का इन मदों का पैसा जो अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि इन कामों में लगे हुए जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी भी तनख्वाह समय पर नहीं आ पा रही, उसके देखते हुए जल संकट इस बार भीषण है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हम लोगों ने कई नदी से नदी जोड़ने की परियोजनाओं को आगे बढ़ाया था, वो भी पूरी तरीके से मामला ठप हो चुका है। मुझे लगता है सरकार जो है केवल ट्रांसफर पोस्टिंग और पैसे की उगाही में व्यस्त है। बिजली और पानी का जो हाहाकार मध्य प्रदेश में हो रहा है, उसको लेके एक बात कही जा सकती है कि सरकार जो है पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, और सरकार की चिंता जो है केवल शराब घर घर पहुंचाने की है, पानी और बिजली तो घरों से जाता जा रहा है।
इस भीषण गर्मी में जब संज्ञान 46 से 47 डिग्री के तापमान पर झुलस रहा हो, ऐसे में बिजली और पानी ना मिले तो सोचिए उन लोगों पर कैसा असर होगा। प्रदेश में सरकार किसी भी दल की हो, लेकिन आम इंसान पानी की सुविधा देना हर दल के जनप्रतिनिधि का काम है, क्योंकि यही वो मुद्दे हैं जो किसी भी राजनेता को अर्श से फर्श पर लाते हैं। डेस्क रिपोर्ट DNN। सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि आम आदमी को मूलभूत सुविधाएं दें, और मूलभूत सुविधाओं में पानी बहुत जरूरी है। बिजली देने की आवश्यकता होती है, उसको दो टाइम की रोटी मिल सके, और मूलभूत सुविधाओं में अगर स्वास्थ्य और शिक्षा भी है तो पानी के बिना सब कुछ सूना है। और पानी अगर हम नहीं बचा पाएंगे तो अपनी पीढ़ियों को आगे क्या दे पाएंगे, हम इसी मुद्दे पर चर्चा करना बैठे हैं। और हमारे साथ अभी जो विशेषज्ञ के तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ में भाग लेती रहती हैं, अंशु गुप्ता जी हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ जो पत्रकार के रूप में अपनी राय रखेंगी, हमारे दर्शकों को बताएंगी कि हम क्यों ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, कल्पना शर्मा हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ सुनील दुबे जी हैं जो लंबे समय से मध्य प्रदेश ही नहीं 7-8 राज्यों में संकल्प ले चुके हैं और जगह जगह पेड़ लगाते हैं, वृक्ष को संरक्षित करने की बात करते हैं। आसपास के जिलों में तो मैंने कई जगह उनके कार्यक्रम देखे हैं, अन्य राज्यों में भी आप ये काम करते हैं। हम सबसे पहले सुनील दुबे जी से ही शुरू करना चाहते हैं। सुनील जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सरकारें सिर्फ पेपर वर्क करती हैं, कागजों पे सिर्फ फरमान जारी हो जाता है, यहाँ वृक्षारोपण कर रहे हैं, ये पौधे लगा रहे हैं, और पानी बचाने की भी दोनों का चूंकि आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ाव है, पानी और पर्यावरण, तो क्या लगता है आपको कि इस पर आज भी सरकारें गंभीर नहीं हैं? सरकारें गंभीर होती तो परिस्थितियां कुछ और होती। जंगल कटते नहीं, ना जंगल कटते ना आज की ये स्थिति होती कि भोपाल में हम बैठे हुए 46 डिग्री से ऊपर तापमान पर जो है वो अपना जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। मेरा सुझाव सिर्फ शासन को सिर्फ ये है कि जंगल कटने के लिए जो है वो एक अध्यादेश जारी करें, वो विधानसभा में जो है वो लेके आए प्रस्ताव और वहाँ जाकर पारित करें कि वर्तमान में कोई भी जंगल नहीं काटा जाएगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार यदि एक कदम ये उठा लेती है तो आने वाले समय में हमारे जंगल जो है वो बढ़ने लगेंगे। उसके साथ साथ पौधारोपण बहुत ज़रूरी है, शहरों के अंदर सघन पौधारोपण होना चाहिए, ऐसा पौधारोपण होना चाहिए जो दिखाई दे। मैं वर्तमान में भोपाल के अंदर देख रहा हूँ कि डिवाइडरों के ऊपर गड्ढे हुए, गड्ढे की मिट्टी निकाल दी गई है और मिट्टी वही पुरानी मिट्टी है, ना उसमें खाद है, ना उसमें रेत है, ना उसमें मिट्टी है, कुछ भी नहीं डाला गया है और उस पर जो है वो पौधारोपण की बात चल रही है। वर्तमान में यदि अभी वर्तमान में पानी गिर गया होता तो उसमें पौधे भी लग चुके होते, लेकिन वह सब हत्यारे कौन कहलाएंगे जो इन पेड़ों को मार देंगे, उनकी हत्या के हत्यारे कौन होंगे? क्या शासन होगा, नगर निगम होगा, कौन होगा जो उसको जो है मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है कि हम इनकी हत्याएं कर दें? तो पौधारोपण बहुत ज़रूरी है, लेकिन पौधारोपण उन लोगों के साथ में हो, स्थानीय लोगों को साथ में लेके किया जाए, उनको बचाने का प्रयास किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक परिस्थितियाँ और ज़्यादा बिगड़ती चली जाएंगी। पानी की बात आपने कही तो पानी का मैं कहूँगा कि हमारे दद्दू जिन्होंने कल कल करती हुई निर्मल नदियाँ देखी, उसमें आचमन करने के लिए कभी हिचके नहीं, कोई भी नदी हो आराम से आचमन कर लिया करते थे और स्नान करते थे। हमारे पिताजी उन्होंने जो है कुएं बावड़ियाँ देखे, हम आज नलों में आता हुआ सूखा टपकता हुआ पानी देख रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन बोतलों में भी पानी देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी पता नहीं है। हमें पता हो, हमारे समाज को पता हो, देश को पता हो कि बोतलों में नहीं, हम फिर से नदियों में पानी लेंगे और आचमन ही नहीं स्नान कर कर हम जो है देखेंगे कि सारी नदियाँ जो है वो एक सी चल रही हैं। उससे प्रदूषण हटाना बहुत ज़रूरी, सीवेज वाटर जितना भी है इसको जो है वो ट्रांसफर करना चाहिए, नदियों से इनको हटाना चाहिए। जब तक इसको नहीं हटाएंगे तब तक समस्या और ज्यादा विकराल होती चली जाएगी। जी दुबे जी, क्योंकि कल कल्पना जी ने एक बात कही थी इसी मुद्दे पर कि हम विकास की अंधी जो दौड़ है उसमें जहां कच्चा मिट्टी होती थी उसमें पानी बैठता था, हम उसको पक्का करते चले जा रहे हैं, इसको विकास के नाम पे। आपने जो अभी जंगल की बात करी या पहाड़ों को खोदने की बात करी, इन पे भी विकास का एक नया वो डाल दिया जाता है, लेकिन क्या पर्यावरण के विनाश के नाम पर विकास किया जा रहा है? तो दोनों में विकास कितना ही कर लें, जब हमारी मानव संस्कृति नहीं बचेगी तो फिर कौन बचेगा? शिशिर जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि विकास, विकास बहुत जरूरी है।
देश विकास नहीं करेगा तो हम संसार में पिछड़ जाएंगे, लेकिन विकास ऐसा हो जिससे हम लोगों को फ़ायदा हो, हमारे देश को फ़ायदा हो, रहवासियों को फ़ायदा हो, यहाँ के नागरिकों को फ़ायदा हो। हम कंक्रीट के जंगल बनाना बंद कर दें। हम जिस तरीके से रोडों के ऊपर जो पानी आता है, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग बिल्कुल कंपलसरी कर दें। जो भी मकान बना हुआ है और जो मकान पहले बना हुआ है, जिन लोगों के यहाँ भी पानी जो है वो छत से उतरता है, वो जाकर सीधा जो है वो ग्राउंड वाटर में जाए, वहाँ जितने ट्यूबवेल हैं उनके अंदर जो है जाने की व्यवस्था करानी चाहिए, नगर निगम को करानी चाहिए, अध्यादेश जारी करा के, और प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ उसका या तो चार्ज लें वो, जो मिनिमम चार्जेस होना चाहिए, जिससे जो है वो हर घर में जो है वो पानी नीचे ज़मीन में उतरने लगे, जिससे ग्राउंड वाटर कल हमको मिलने के लिए जो है जी वो संभावना बनी रहे। जी हाँ, चलिए मैं अंशु गुप्ता जी के पास आना चाहता हूँ। अंशु जी, चूंकि आप सामाजिक क्षेत्र में काम करती हैं और ये एक ऐसी विकराल समस्या बनती चली जा रही है कि जैसा दुबे जी ने कहा कि सही में आज से बरसों पहले हमको जो नदी तालाब झरोखे बताए जाते थे अब वो बंद हो गए, सिर्फ बरसात के समय में पहाड़ी झरने देखने को मिलते हैं, और सड़कों पर भी हालात ये हैं कि थोड़ा सा पानी गिर जाए तो बाढ़ लोगों के घरों में घुस जाता है पानी, लेकिन वो रुक नहीं पाता है, जिसको सीधे नदी में और नदी से समुद्र में चला जाता है। तो आपको लगता है कि सामाजिक सरोकार का को ध्यान में रखते हुए इसको रोकने की कोशिश की जाना चाहिए, जल को संरक्षित करेंगे तभी जमीन में बैठ पाएगा? बिल्कुल सही कहा शिशिर जी, और ये एक किसी एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं है, ये समग्र रूप से सभी का मिला जुला प्रयास होगा तब तो इसके हम परिणाम देख पाएंगे। अगर हम कहें कि समाज प्रशासन पर जिम्मेदारी पूरी तरह से दे दे, प्रशासन कहे कि सामाजिक स्तर पर ये खुद जन तक अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए कि पानी कैसे संरक्षित किया जाए, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम सबको इसको सोचना होगा, गंभीरता से लेना होगा। और जिस तरह से प्रशासन अभी प्रशासन का मोड आप देखिए कि प्रशासन को उनकी जिम्मेदारी है कि ये पानी को अभी भयावह स्थिति है तो आगे फ्यूचर में क्या होगी, तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि ड्रेनेज वाटर, जैसे आपने कहा कि बरसात का पानी आया और वो रोडों के द्वारा पूरा ड्रेन हो गया नदी में और वो समुद्र में चला गया, तो ड्रिंकेबल वाटर कहाँ है और जो सीवर ड्रेनेज है उसका क्यों नहीं ट्रीटमेंट प्लांट लगता है और उसको फिर ग्राउंड वाटर करके हमारा जो वाटर लेवल है उसकी बेल्ट को हम ऊपर बढ़ाएं। तो ये सारे सिस्टम प्रशासन के ही जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को बिल्कुल जिम्मेदारी से इस चीज को निभाए, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं हो पाएंगी तो स्थिति आप हम सभी देख रहे हैं कि क्या आने वाला समय है, कि जैसे सर ने भी कहा कि बॉटल में पानी देखने को, अभी मेरा बेटा एक जगह गया तो उसने 200 रुपए की एक बॉटल पानी पी, तो उसने बोला माँ आज मैंने 200 रुपए की पानी बॉम्बे में खरीदा है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने बोला बेटा ये स्थिति अब तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे बच्चों को अब ये स्थिति आने वाली है और इन चीजों से संभल जाओ। तो ये बहुत ही गंभीर चीज है, इसको सोचना ही होगा जिस तरह से प्रशासन की या असंवेदनशीलताएं दिख रही हैं, क्योंकि मानवीय मूल भी हैं। अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो फिर जीवन भी नहीं होगा और फिर पानी का कोई विकल्प ही नहीं होगा। तो इन सारी चीजों को प्रशासनिक स्तर पे ही आप स्ट्रिक्टली लेके आ सकते हैं। जन जागृति तो बहुत जरूरी है और जन जागृति आती भी है, अवेयरनेस प्रोग्राम हम लाते भी हैं तो उन चीजों से थोड़ा बहुत काम हो पाता है, पर जो सोल रिस्पॉन्सिबल है, जो अथॉरिटीज हैं इसकी, उनको सिर्फ कागजों पे, जैसे आपने भी कहा कि कागजों पे काम नहीं होना चाहिए, इसको जमीनी स्तर पर रूट लेवल पे काम होना चाहिए, तब जाके कहीं चेंज आएगा, नहीं तो वही 200 रुपए की बोतल आने वाली स्थिति आ ही जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि सरकारी सिस्टम में अंशु जी ऐसा बताते हैं कि विकास अगर करना है, मैं पेपर चूंकि जर्नलिस्ट हूँ बहुत सारे ये पढ़ता हूँ, तो उसमें एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि अगर आपने यहाँ ये जंगल काटा है तो इसका 4 गुना आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई बिल्डर नहीं लगाता है, कोई ठेकेदार नहीं लगाता है, और हमारे नौकर साहब जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि उसका पालन करें, वो भी आंख बंद करके बैठे रहते हैं। बिल्कुल सही कहा शिशिर जी, आप तो कहीं मत जाइए, सिर्फ नगर निगम जो छोटी इकाई है इसकी, आप उसी की बात लीजिए। जब मकान बनाने की परमिशन हमको देता है वो, तो वो सारे पैरामीटर्स, वो सारी शर्तें, वो सारे नियम कायदे कानून हमको लिखित में मिलती हैं, तो क्या फिर उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग होती है,
उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, लोग एनक्रोचमेंट कर लेते हैं, जो आपने मैडम ने भी कहा था कि वो पक्की बना लेते हैं, फिर उस चीज को कच्ची जमीन जो थी उसको भी पक्का वहां पे पेबल ब्लॉक्स लग गए, मेरी कार भी चार चार कार हो गई है घरों में, तो दो दो तो पोर्च में आएंगी नहीं, तो बाहर खड़ी करने के लिए, तो ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की भी कमी है कि सरकार को देखना चाहिए कि अगर हमने किसी चीज को नियम कायदे कानून के साथ लेके आए हैं तो उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखिए मकान बनाने के लिए चारों तरफ से आपको छोटा छोटा एरिया छोड़ना पड़ता है, आपको कॉलोनी में पार्क के लिए जमीन होनी पड़ती है, पर मैं तो अपनी ही कॉलोनी की बात कहूं कि हमारे बिल्डर ने सारे पार्क जो हमारे ओपन लैंड थे इसकी लड़ाई में बहुत बड़ी लड़ी हूं, और सारे आप लोग देखते भी होंगे कि बहुत बड़ी लड़ाई है हमारी कि जितना भी ओपन लैंड था उसने या तो किसी स्कूल को दे दिया या कॉलेज वाले को भेज दिया या स्विमिंग पूल वालों को भेज दिया, तो ये है कहाँ घापम गोली, ये प्रशासनिक स्तर पर ही घापम गोली है जहाँ ये सब मिले जुले हैं और जो जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है और जिसका हम पूरी तरह से टैक्स भी सरकार को देते हैं पर वो हमें सुविधाएं मिलती ही नहीं है। कहीं ना कहीं तंत्र की और ऐसे बड़े ठेकेदारों की बिल्डरों की मिली भगत से कहीं ना वो हमारे पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, हमारी पीढ़ी को कहीं ना कहीं गर्त में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें इसके पीछे अर्थ है कहीं ना कहीं। मैं कल्पना जी के पास आना चाहता हूं। कल्पना जी आप पत्रकार हैं, सभी जगह आती जाती हैं, आपको लगता है एक छोटा सा उदाहरण स्मार्ट सिटी की घोषणा की गई, क्या कंक्रीट का जंगल बना देना ही स्मार्ट सिटी कहलाता है क्या? उनकी शर्तें मैंने देखी हैं, मैंने पढ़ा है पेपर में कि जितनी जगह आज साउथ टीटी नगर से लेके और हम एमएलए क्वार्टर्स वाला इलाका देख लें वहाँ इतने घने पेड़ थे, मुझे लंबा समय हो गया भोपाल में रहते, 20-25 साल पहले जो स्थिति देखा करता था इतने पेड़ थे लेकिन सब काट दिए गए और वो अब उनकी जगह कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, जबकि शर्तों में ये शामिल होता है कि उससे चार गुना ज़्यादा पौधे लगाना है आपको। पौधे लगाएंगे कौन? सबसे बड़ी बात है जब पौधे काटने का जो राजभवन के सामने आपने सर एक पेड़ देखा था, शायद वो हमारी पुरानी जनरेशन उसको देख के ही बड़ी हुई थी, वो पेड़ काट दिया गया था और रातों रात पेड़ काट दिया गया था, सब मौन थे। तो जब इस स्थिति में आएंगे तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम जनता इसमें कुछ कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन का जो तंत्र है वो तंत्र इतना ज्यादा अपने लिए स्वार्थी हो गया है कि वो उसको सिर्फ और सिर्फ मुझे आज तक भी उस पेड़ को काटने का रीजन समझ में नहीं आया, क्योंकि वो पेड़ जब था तब भी वहाँ उसी तरह से निकला जाता था, आज भी सेम कंडीशन है। तो ये जब स्थिति होती है तो जब आप उसके लिए कुछ भी चाह कर भी ये कोर्ट के सामने की जो रोड थी वहां पे जबरदस्त खाना जंगल हुआ करता था वो पूरा गायब, कुछ दिनों बाद जब वहां से निकले तो आश्चर्य हुआ कि आखिर इनको काटने का कारण क्या था। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जनता को अवेयर होना पड़ेगा, जब प्रशासन अपनी चीजों को लेके अवेयर ना हो तब जनता को अपनी आवाज खड़ी करनी पड़ेगी, जनता को सड़कों पे आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि ये पेड़ आपके लगाए हुए नहीं है, कि आपकी बपोती नहीं है, सरकार की बपोती नहीं है कि सरकार उनको काट ले, लगाने का जिम्मा जरूर है लेकिन काटने का नहीं। लेकिन जनता भी आराम, देखिए प्रशासन तो है ही निकम्मा, मैं उसको बिल्कुल कहीं किसी तरह से उसको रिबेट नहीं देना चाहती कि वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ अच्छाई ढूंढूं, लेकिन ये बात सच है कि जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, कहीं रेड लाइट लाल बत्ती हो, लाल बत्ती एक इंडिकेट होता है कि जब ग्रीन हो तब आप निकलिए, वहां पे भी चार लोग मतलब दो लोगों को लगाना पड़ता है कि मतलब आप निकलिए आप मत निकलिए ट्रैफिक पुलिस को, मींस कि क्या जनता नहीं जानती है कि उस लाल बत्ती के मीनिंग क्या है, उसको वहां भी बताना पड़ता है। इसी तरह से रेलवे में है कि कहीं ना कहीं एक डब्बे को भी आप बांध के रखते हो लैट्रिन में, जब ये स्थिति इस देश की हो जाए जनता को अवेयर, पेड़ लगाने के लिए आपको करोड़ों अरबों रुपए का बजट लाना पड़े उनको अवेयर करने के लिए, क्या जनता को इन चीजों को जानकारी वैसे अपने तरीके से, मैं मानती हूँ कि अवेयरनेस जरूरी है लेकिन जनता जो हम पेरेंट्स हैं हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के लोगों को बताएं, सरकार अपने अगर काम में पीछे हट रही है तो जनता को आगे आना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि हम अपना ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ने का बहुत इजी एक माध्यम बना लेते हैं। तो मैं जब किसी से भी बात करती हूँ तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि जब अधिकारी वर्ग उस चीज को नहीं समझ रहा है, मंत्रियों को फुर्सत नहीं है, अधिकारी वर्ग को सिर्फ कमाने ट्रांसफर और इन सब चीजों से फुर्सत नहीं है, तो जनता को आगे आना पड़ेगा, अपनी बातें जितनी बातें इन्होंने कही उन चीजों से नकारा नहीं जा सकता, सड़कें जिस तरह से पक्की कर दी गई हैं
साइड में कच्चा कहीं नहीं छोड़ा गया है। उसके लिए जनता, जो अपनी ही गली की बात कर ली जाए, जिस जब रोड बनती है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने साइड में कितनी जगह हमारी कच्ची है उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। हाँ। अपने घर में छोटे छोटे गमलों में ही हम इतने पेड़ अपनी छतों पे लगा सकते हैं कि अपने आसपास कुछ तो पर्यावरण का बचाव हम कर सकते हैं। लेकिन हाँ। प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों के सर पे ठीकरा फोड़ने के आदी दूसरे से उम्मीद करते हैं बस। जी चलिए मैं दुबे जी के पास आना चाहता हूँ। दुबे जी, जैसा कल्पना जी ने कहा, अंशु जी ने कहा, चूंकि सामाजिक क्षेत्र में काम करते करते इनको अनुभव है, उन्होंने अपना खुद का एक उदाहरण भी बताया कि लड़ाई लड़ रहे हैं, तंत्र एकजुट हो जाता है, कुछ मौका परस्त बिल्डर हों, ठेकेदार हों, ये एकजुट हो जाते हैं, जनप्रतिनिधि भी उसमें एकजुट हो जाते हैं, लेकिन समाज के भी अपनी जिम्मेदारी है। जैसा बताया कि राजभवन के सामने एक पेड़ कटा, मैं पिछले 4 महीने पहले राजभवन के सामने से ही गुजर रहा था। मैं क्या गुजर रहा था, मुझे वहाँ बुलाया गया, वृक्ष रक्षक दल है हमारा, वहाँ से कुछ बच्चे जा रहे थे, उन्होंने देखा कि नगर निगम का अमला पेड़ काट रहा है। जिस वक्त उन्होंने ये देखा तो वो सड़क के ऊपर बीच में खड़े होकर चिल्लाने लगे। राजभवन के गार्ड आए, उन्होंने कहा कि यहाँ खड़े होकर हल्ला नहीं मचाएं, ये नहीं करें। तो उन्होंने कहा हमें एक फ़ोन करना है, हमको फ़ोन कर लेने दीजिए, आप फ़ोन दे दीजिए हमको। उन्होंने तत्काल जो है फ़ोन उपलब्ध कराया, मेरे को उन्होंने फ़ोन करा, 10 मिनट के अंदर मैं उस स्थान पर पहुंचा, मीडिया को खबर करी मैंने, कुछ कैमरामैन वगैरह आ गए, उन्होंने जो है कवरेज किया वहाँ पे। उन्होंने कहा कि हमारे पास में आयुक्त नगर निगम की परमिशन है इन पेड़ों को काटने की। मैंने कहा मैं आयुक्त नगर निगम को नहीं मानता, मैं कलेक्टर साहब को नहीं मानता, मैं NGT को नहीं मानता, मैं पब्लिक हूँ। अगर आप विकास कर रहे हैं तो जनता के लिए कर रहे हैं, और जनता अगर विरोध कर रही है तो आपको उसको जो है नहीं काटना पड़ेगा, और आप इसको नहीं काटेंगे। तब तक काफी पत्रकार भी आ गए थे, और अंत यह हुआ कि वहां जो लगे हुए पेड़ थे वो पेड़ आज भी यथा स्थिति में लगे हुए हैं, उनको नहीं काटा गया। तो ये दबंगता से यदि आप जो है वो सामने आएंगे, दबंग सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी को दबाना है, किसी को मारना है, आपने अपने समाज में अपने आप को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए यदि आप जो है दबंग बन जाते हैं तो कोई बुराई नहीं। और आज वो पेड़ यथास्थिति में जैसे के तैसे हैं। न्यू मार्केट से साउथ सिटी नगर के लिए जब हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ देखा है कि वहाँ बिल्डर्स को जमीन बेच दी गई। मैं उस बिल्डर का नाम नहीं लेना चाहूँगा। वहाँ पर जो जमीन बेची गई, मेन रोड के ऊपर ही मेरा मकान था, एक की लाइन में मेरा निवास करता था, हमारे द्वारा लगाए गए, वह आगे से उन्होंने पेड़ काटना शुरू करे। आज वर्तमान में आप देखेंगे 1/13 से लेके और 13 की लाइन तक पूरे पेड़ मेन रोड के जो है यथास्थिति में है। हम वहाँ उन बिल्डरों से लड़े, हमने कहा हमारे पेड़ नहीं काटोगे। शासन ने कहा कि हम हजारों पेड़ यहाँ पे लगवा देंगे। उन्होंने कहा आज एक भी पेड़ नहीं लगा हुआ है, और 15 वर्ष हो रहे हैं कम से कम उसको बनते हुए, कहाँ गए वो पेड़ और कहाँ गए लगाने वाले। तो मेरा कहना यह है कि शासन को जब पेड़ लगाने की बात करते हैं, साउथ सिटी नगर पूरा बना दिया है आपने कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी के नाम पे हजारों पेड़ आपने काट दिए, और गिनती आप कर रहे हैं कि हमने जो है वो सिर्फ 800 या 900 पेड़ जो है यहाँ पर हैं, हजारों पेड़ काट दिए उन्होंने। झाड़ियाँ जो हैं, जो 15-15, 20-20 साल पुरानी झाड़ियाँ जो थी उनको आपने काट दिया। जाम के पेड़ को पेड़ नहीं मानते हैं आप, आम के बड़े पेड़ों को पेड़ मानते हैं। 60 से 70 साल पुराने वृक्ष, उन पेड़ों को जो है वो काटने के ऊपर शासन आमादा है। पूर्व कलेक्टर सुदाम खाने जी से जो है मेरी चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा अगर एक भी पेड़ कहीं कोई काट रहा हो और कट रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं तत्काल कार्रवाई करवाऊंगा और इनके जो है वो काम बंद करा देंगे। महोदय जी से जाके मिला, मैंने कहा सर ये देखिए, मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको कि इस पेड़ का डायमीटर जो है वो 10 फीट का है, 10 फीट मोटा डायमीटर का जो है वो पेड़ जिसको काट दिया गया है। ऐसे आम के, जाम के, पीपल के अनेकों पेड़ जो हैं वो धाराशाही कर दिए गए। शासन मौन है, चुप है और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ बिल्डरों को जमीन बेचने का काम कर रहा है कि हमने जमीन बेच दी है, और जमीन बेचने के बाद में उस तरफ कोई सुध नहीं ली जा रही है। तो पर्यावरण तंत्र का इन्वॉल्वमेंट है 100%। लेकिन दुबे जी, आप जैसे कई और दबंग पैदा करिए ना, समाज से ही निकलेंगे ऐसे दबंग, खासकर नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों पर शिकंजा कसने के लिए अगर आप जैसे, अंशु जी जैसे, कल्पना जी जैसे लोग आगे आ जाते हैं तो कुछ असर तो पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। मैंने 200 बच्चों की टीम तैयार करी है, जगह जगह जो है, भीम नगर, राहुल नगर, अम्बेडकर नगर, सुदामा नगर, इसी तरीके से जो है बजरिया के स्थिति में जो है वहां पर, आपके शाहजहानाबाद में, यहाँ हमारे बच्चे हैं।
ऐसे बच्चे हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं, कुछ करने के लिए तैयार हैं, और ये सारे जुग्गी एरिया के बच्चे हैं। ओके, चलिए, अच्छा है, ये मुहिम आपकी आगे बढ़े, समाज के लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे देश के लिए और हमारी संस्कृति के लिए। अंशु जी के पास आना चाहते हैं। अंशु जी, आप व्यक्तिगत रूप से मानती हैं कि पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, लेकिन आप जैसी और अगर महिलाओं की टीम आगे बढ़ती है, और हम सरकारों पर कब तक डिपेंड रहें, नौकरशाहों पर कब तक डिपेंड रहें, हमें खुद मुहिम चलाना होगी। बिल्कुल चलानी होगी। मैंने जैसा कहा पहले भी कि ये एक किसी का काम नहीं है, ये सभी का मिला जुला प्रयास होगा, तभी जाके इसके परिणाम सामने आएंगे। और डेफिनेटली मैं तो ये बात कहना चाहूंगी कि हम महिलाएं ही अग्रणीय होती हैं पेड़ संरक्षण में, क्योंकि अगर आप पारंपरिक तौर पे भी भारत की हमारी परंपराएं देखें तो हम पूजा, हमारा जो विधान है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें हम महिलाएं सुबह तुलसी को जल देना, कोई भी तीज त्योहार आता है उसमें कोई ना कोई, जैसे बट सावित्री आई तो हमने बट सावित्री जी, मतलब ये सिंबॉलिक है कि आपको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी इनको बताना है कि पेड़ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। चैत्र के महीने में जैसे कि हम इनकी पूजा करते हैं, नीम और वट वृक्ष की करते हैं, तो ये सारी चीज सब हमको संस्कारों से बांध के रखती है, और महिलाएं अपने घर आंगन में तो इनको पोषित करती है। पर हाँ, अगर हम कहें कि पूरे समाज की बात है, तो सही बात है कि समय तो आ गया है कि हम महिलाएं, क्योंकि परिवार की धुरी होती हैं, और अगर हम कोई काम करती हैं तो पूरा परिवार, फिर समाज और पूरा देश हमसे जुड़ जाता है। तो ये सही बात है कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि एटलीस्ट अपने घर के आजू बाजू तो इतने पेड़ लगा दें कि उन पेड़ों की जो हमको हवा आए वो हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य हो जाए। अगर हम अपनी अपनी स्तर पे भी छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो ये बड़ा प्रयास होगा, और इन चीजों से फिर हम आगे इस तरह के डिस्कशन में, मतलब मुझे तो लगता है कि आगे इस तरह के डिस्कशन भी बहुत सार्थक हो पाएंगे। बिल्कुल, चलिए कल्पना जी। जी, मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि देखिए, प्रशासन के प्रति हम पत्रकारों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको बताएं कि कहाँ कमियां रह गई हैं, और किस तरह से वो कोई भी अधिकारी हमें लगता है कि वो मिले हुए हैं, साजिश के तहत पेड़ काटे जा रहे हैं, या जल संरक्षण जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, इनके लिए हमको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हाँ। क्योंकि ये बात सच है कि जिस तरह से बाकी लोग अपना काम करते हैं, यदि पत्रकार अपने कर्तव्य का सही से निर्वहन करने लगे तो इसमें कोई शक नहीं कि प्रशासन या मंत्री या अधिकारी, कोई भी वर्ग तरीके से काम ना करे ऐसा असंभव है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम सब लोगों को एक साथ होके अपनी आवाज, क्योंकि जल संकट ये आज की समस्या नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी, आने वाली, सबसे बड़ी बात है कि ये वो चीज है जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो जब उसको अगर बचाना है तो हम सबको एक साथ होके, समाज सेवियों, पत्रकारों, सब लोगों को एक साथ होके इसमें कदम उठाना ही पड़ेगा। ये हमारी भी जिम्मेदारी है, समाज की भी जिम्मेदारी है, और हर व्यक्ति यदि अपने दम पर कोशिश कर ले कि वो पर्यावरण का को संरक्षित करेगा, अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाएगा और पानी रुके इसकी कोशिश करेगा, तो शायद हम अपने आने वाली पीढ़ी को, जैसा अंशु जी ने कहा कि बच्चे को 200 रुपए की बाटल ना खरीदना पड़े, या हम जिस तरीके से, जैसे समाज में जो आज हो रहा है, हम अपनी, हमारी सारी कोशिश ये होती है कि हमें तो सारा सुख सुख मिल जाए, पड़ोस वाला इस नियम को फॉलो करे, पेड़ वो लगा दे। इससे उबरना होगा, हमें कोशिश करना होगी, जो है जहाँ है पर्यावरण संरक्षण की हर कोशिश, एक एक कोशिश भी इसको एक बड़ा अभियान बना सकती है, और अगर सब सोचेंगे तो संभव है, जो हम चाहते हैं वो हो सकता है, क्योंकि हमारा जीवन इसी से है, जल है तो जीवन है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अंशु गुप्ता जी जुड़ी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका धन्यवाद। हमारे साथ कल्पना शर्मा जी जुड़ी पत्रकार के रूप में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनील दुबे जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पर्यावरणविद हैं, आप जुड़े, आपका धन्यवाद। DNN पर ऐसे ही मुद्दों पर हम चाहते हैं कि जनता को कम से कम जागरूक करने के लिए, ऐसे मुद्दों पर आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा बने, और हमारी कोशिश सिर्फ यही रहती है कि जनता कुछ सीखे। बहुत सारी राजनीतिक खबरें होती हैं, बहुत सारी दूसरी खबरें होती हैं, लेकिन जिससे सीधा सरोकार जनता का है, उन पर DNN चर्चा करना चाहता है। बने रहिए DNN पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।